प्रार्थना करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। बहुत खूबसूरत वाले सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सभी लोगों के लिए है। पूरे अवतार एसोसिएशन के लिए है, हमारे एड्रेस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक निगम साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि एड्रेस कमेटी के सदस्यगण और अध्यक्षगण को संबोधित करने से पहले मुझे इस बात का की इजाजत दें कि मैं चुनाव अधिकारी श्री आई पी सिंह साहब को सबसे पहले संबोधित करूं, अगर उनका उनके अनुमति हो। इस ऐतिहासिक अवध बार एसोसिएशन इस ऐतिहासिक चुनाव को बहुत ही खूबसूरती से, पूरी पारदर्शिता से, पूरी निष्पक्षता से कराने वाले हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आई वी सिंह साहब चुनाव अधिकारी, जिनकी पारदर्शिता का लोहा माना जाता है, जिनकी निष्पक्षता का लोहा माना जाता है, ऐसा मैंने अखबारों में भी पढ़ लिया है इस बीच में एक दो दिन में। चेयरमैन एड्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक निगम साहब परिषद वक्ता, एड्रेस कमेटी के माननीय सदस्य श्री आरिफ खान साहब, एड्रेस कमेटी के माननीय सदस्य श्री कपिल देव साहब परिषद वक्ता, एड्रेस कमेटी के माननीय सदस्य श्री प्रशांत चंद्रा साहब परिषद अधिवक्ता, माननीय श्री एन के शेर साहब वरिष्ठ अधिवक्ता, मिस्टर एच जी एस बरिया फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अवध बार एसोसिएशन, मिस्टर शरद पाठक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अवध बार एसोसिएशन, मिस्टर संजय सिंह असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी फर्स्ट टाइम रिटर्निंग ऑफिसर, और हमारी इस नई नव निर्वाचित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे इस अवध बार एसोसिएशन के हमारे साथी, सबसे पहले वरिष्ठ अधिवक्तागण माननीय जोगेंद्र मिश्रा साहब, माननीय श्री आई पी सिंह साहब, माननीय देशवंत मिश्रा साहब, माननीय हरीश पांडे साहब, अशोक सिंह साहब, और अनेकों बार एसोसिएशन के ऑफिस बियरर्स जो आज यहाँ पधारे हैं। चुनाव आया ऐसा मुझे विश्वास है, और मैंने यहाँ जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं उनसे भी मैंने जानकारी की, यही बताया गया कल मैं जोगेंद्र मिश्रा साहब जो हमारे पूर्व महाधिवक्ता साहब हैं कल उनसे भी बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं इस तरह का चुनाव कभी अवध बार में नहीं हुआ था। एक चुनाव, तीन चुनाव की तारीखें, दो